आप देख लीजिए, मैं भी बिल्कुल देहरादून में हूँ, कैपिटल ऑफ उत्तराखंड। और यहाँ पर आप देखिए नेशनल बुक हाउस है एक, बिल्कुल बिहाइंड ऑफ घंटाघर के पास। और मेरे सामने जो हैं आदरणीय राम सिंह जी, रिटायरमेंट फौजी हैं और बहुत जाने माने चेहरा हैं उत्तराखंड के, सिंगर भी हैं आप। अभी अभी लेटेस्ट में आपने वो जो अभी इंडिया और पाकिस्तान का अभी जो रिवॉर्ड चल रहा था उसको लेकर के भी आपने स्टेटमेंट दिया था, बिल्कुल लाइव में आप। और अभी आप देख रहे हैं, आपने खुद आर्मी में रहे हैं आप कई साल, और आपने एक गाना भी इस साल आपका निकला हुआ है जो कि आर्मी को भी रिप्रेजेंट करता है, पूरे उत्तराखंड में आपका नाम है। बहुत बहुत स्वागत है राम सिंह जी आपका मेरे चैनल जी। धन्यवाद सर। क्या कहना चाहेंगे आप आज देश में जो देखने को मिल रहा? सर देश में आज उल्लास है भाई, आज पाकिस्तान झुक गया हमारे आगे, हमारे पीरों के आगे झुक गया पाकिस्तान आज राइट। और हम सैनिकों के आगे पाकिस्तान की कोई औकात नहीं है कि जो पाकिस्तान हमसे एक कदम आगे जा सके, हम उसको जो है सैकड़ों कदम पीछे छोड़ के आगे। आप खुद आर्मी में रहे जी, अपना अनुभव बताएंगे आप आर्मी में क्या होता है? आर्मी में सर, आर्मी में एक हमारा जीवन बचपन में हम लोग आर्मी में चले जाते हैं। मैं 16 साल की उम्र में आर्मी में चला गया भाई, तो जब 16 साल की उम्र में चला गया था तो मैं 27 साल कुछ दिन आर्मी का नौकरी किया। तो एक प्रकार का हमारे अंदर जो जुनून हो जाता है देशभक्ति का जुनून हो जाता है, हमें प्रिय अपने बच्चे नहीं, अपने माँ नहीं, अपना बाप नहीं है, कोई हमें प्रिय नहीं है, हमें प्रिय कौन है? देश है। एज अ सिंगर जब आप आए तो एज अ सिंगर की भूमिका में क्या कहेंगे? सिंगर की भूमि में मेरे एक ही वो रहता है लोगों के लिए, हमारी जो संस्कृति है, हमारी संस्कृति हमारा धरोहर है, हमारा जो देश की जो सभ्यता है, हमारी जो सभ्यता है, हमारी संस्कृति है, उसको बचाने में मेरा ज़्यादातर गीतों में रहा। साल आप एक फौजी के ऊपर एक गाना निकाला था, वो क्या गाना है वो इंस्पायर किया उसे? फौजी के ऊपर ये अभी जब ये पुलवामा वाला कांड हुआ था उसमें मैंने गाना क्या गाना है जरा दो लाइन गाएंगे आप? सर अभी तो याद नहीं है वो, उसमें सुन ले पाकिस्तान करके हिंदी में है वो। इससे पहले भी एक गाना था आपका, एक पुलवामा वाला था, जरा दो लाइन कोई ऐसी देश के प्रति। अच्छा देश के प्रति, जब मैं रंगरूटी करता था उस टाइम का है वो था। अरे फौजी का गाजा बज बजता जुटुरी खुदाना, रंगरूटी का दिन माजी मैनी भूलिया, जब लगे दी घनी पुरेड़ी कोंदू अंधारू, गौड़ी भाजी के कटी जानू राइट। ये देखिए आप राम सिंह जी फौजी के अपने जीवन को बता रहे हैं, रंगरूट में जो ट्रेनिंग में होता है किस तरीके से अपने दिन को निकालते हैं। ये गाना आपका बहुत फेमस रहा उत्तराखंड में, और इसके अलावा जो आप आगे क्या लेकर के आने वाले हैं बाजार में, कौन सा गाना? अभी बाजार में मैं देश ज़्यादातर मेरा आजकल जो भी चल रहा है वो देशभक्ति के लिए चल रहा है। अभी पाकिस्तान, अभी तुरंत जो लेटर आया है पाकिस्तान को चैलेंज गीत आया है मेरा कि सुन ले वो पाकिस्तान तेरा अंत बहुत जरूरी है, बहुत जल्दी है। ओके। और दूसरा गीत अभी आने वाला है कि जो हमारा जो शेर आपने आज छोड़ा है वो तुझे छोड़ना ही पड़ना था, क्योंकि तेरे अंदर इतना गुद्दा नहीं है, इतना दम नहीं कि हमारे शेर का। क्या वजह रहा, इसका सरकार का वजह रहा होगा या खुद ये क्या जीत बोले इसमें, या उनका अपना बिहेवियर रहा पाकिस्तान का, जो इंटरनेशनल दबाव था या पॉलिटिकल कहाँ रहा है? जो जनेवा कन्वेंशन का जो वो है, ये पॉइंट है, कन्वेंशन का जो जनेवा का है उसमें कोई देश किसी सैनिक को चोट नहीं पहुंचा सकता। फिर भी अभी जो सिचुएशन थी शायद लोग बोले गवर्नमेंट का इसमें रोल है क्या? गवर्नमेंट का रोल है, मोदी साहब का रोल है, क्योंकि पाकिस्तान डर गया कि जहाँ पर मैंने 42 सैनिक शहीद किए हैं उसकी जगह पर जो है भारत ने यहाँ पर 400 जो है ऊपर कर दिए हैं। तो और उत्तराखंड के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तराखंड के लिए मैं ये कहना चाहूँ कि उत्तराखंड के जो मेरे अपने उत्तराखंड के लोग हैं, हमारे सबसे ज़्यादा यहाँ से देशभक्ति के लिए लोग निकल रहे हैं, फौज के लिए निकल रहे हैं, जगह जगह कैंप कर्नल कोठियाल साहब के चल रहे हैं। तो मेरा यही है कि बेटा सबसे बढ़िया पहले जो है फौज है, उसके बाद पैसा तो आपको पता है, पैसा सब कमाते हैं, पैसा जो सड़क पे झाड़ू मार रहा है बेचारा वो भी कमा रहा है, और जो देश सबसे बड़ा देश है। चलिए बहुत बहुत बधाई आपको जी सर इस न्यूज़ के लिए। और आज आदरणीय राम सिंह नेताजी सिंगर और बहुत आर्मी को भी इन्होंने दिया अपनी पूरी लाइफ, पूरे समाज के लिए दिया है। बिल्कुल देहरादून में खड़ा हूँ और इसी के साथ विनोद कैमरामैन के साथ महेश बहुगुणा देहरादून से। थैंक यू वेरी मच फॉर इंटरव्यू। थैंक यू सर।